हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जो मेज़रमेंट है आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये मैंने देखिए फैब्रिक ले लिया है और ये फैब्रिक मेरा 2 मीटर है। तो ये देखिए ये लंबाई वाली साइड है, लंबाई में मैंने इसको एक फोल्ड किया है इस तरीके से, और उल्टी साइड में आपने फोल्ड करना है और उल्टी साइड में ही हमने मार्किंग करनी है। तो देखिए जो अभी हम इसको फोल्ड करेंगे, तो सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है। तो लेंथ मेरी यहाँ पर 38 रेडी है। तो ये 39 इंचज़ का मेरे पास फैब्रिक है, तो मैं नीचे से इसमें जो घेरे में है जॉइंट ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने घेरा मार्क करना है। तो घेरा हमारा यहाँ पर 9.5 रेडी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया, और उसके बाद मैं चाक के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 1.5 या 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन के लिए ले सकते हैं। तो टोटल में मैंने 11 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया, और सेम इसी तरीके से 11 इंच पर हम ऊपर की साइड भी मार्क करेंगे और इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ऊपर से भी 11 इंच पे मार्क कर लिया, और इस तरीके से उंगली रखकर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो घेरे के अकॉर्डिंग हम हमेशा कपड़ा फोल्ड करते हैं। जो भी हमारा बॉडी मेजरमेंट में हैवी साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो ये कपड़ा फोल्ड हो गया है, और अब हमने ऊपर से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है। लेंथ मैंने आपको बता दी है कि 38 मेरी रेडी है, और 39 ये हमारे पास अभी टोटल में है। हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच नीचे पट्टी अटैच करने में जाएगा, तो 38 रेडी आ जाएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर तीरा मार्क करना है। तो तीरा हमारा देखिए 14 है, तो 14 में मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो 15 इंच हो गया। 15 का आधा हमने 7.5 यहाँ पर मार्क कर लिया। तो कॉलर नेक और बोट नेक में आपने जब भी तीरा मार्क करना है तो जितना भी है उसमें 1 इंच ऐड करके फिर उसका हाफ लेना है। तो 7.5 मैंने तीरा मार्क कर लिया। अब हमने ये आर्म होल की लाइन मार्क करनी है, तो ये भी हम 7.5 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीरा बढ़ गया है, इसलिए हमने 1/2 इंच आर्म होल को भी बढ़ाया है। तो अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी यहाँ पर 14 इंचेस पे है, तो 14 पे मार्क कर लेंगे, और उसके बाद हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप साइज़ हमारा 19.5 पर है, तो 19.5 पर यहाँ पर मार्क कर लिया। सेम मार्किंग हमने थोड़ी आगे से भी कर लेनी है ताकि लाइन्स हमारी स्ट्रेट बने। तो यहाँ 14 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ 19.5 पे, और इन सारी लाइन्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए लाइन सारी स्ट्रेट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर जैसे ऊपर हमने तीरा लिया था, तो सेम 7.5 हम नीचे से भी मार्क कर लेंगे और ऊपर इसे तीरे वाली लाइन से मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मैच कर लिया। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर है 36। 36 का 4th ले लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, और इसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन का लेना है। तो इससे आगे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये टोटल 11 इंच हो गया यहाँ पर। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पर 31 इंचेस। तो 31 का 4th हम लेंगे, तो 4th आएगा 7.25। तो 7.25 पे मार्क कर लिया, और इसके बाद भी हम 2 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप है हमारी यहाँ पर 9.5 इंच पे, क्योंकि हिप टोटल में है 38 इंचेस। तो 38 का 4th लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 9.5। 9.5 पे मार्क कर लिया, और इसके बाद हमने 1.5 इंच लेना है। तो ये आ गया 11 इंच पे। तो 11 इंच पे ही हमने इसे फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि चाक भी हमारे बिल्कुल हिप के अकॉर्डिंग ही हैं। तो इन सारी लाइंस को हमने ज्वाइन कर लिया, मार्जिन वाली भी और फिटिंग वाली को भी। और अब हमने यहाँ पर शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। तो यहाँ हाफ से हम इस तरीके से गोलाई लेते हुए, और ये फिटिंग वाली जो लाइन है इस लाइन से हमने इसको मैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी शेप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा तीरा बड़ा है। और अब हमने फ्रंट की शेप डालनी है। तो फ्रंट की शेप हम 1/2 इंच अंदर को लेकर फिर डालते हैं। तो इस तरीके से 1/2 इंच हम अंदर की साइड को लेंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। और इस वाली लाइन को भी हमने ये फिटिंग वाली जो हमारी मार्किंग है इससे मैच कर लेंगे। इस वाली लाइन से हमने इन दोनों को मैच करना है। तो अब देखिए हमने शोल्डर डाउन करना है। तो सिर्फ 1/4 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है, और यहाँ से हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक हमें चाहिए 4 इंचेस पर रेडी। तो 4 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया, और इस तरीके से हम शोल्डर डाउन करेंगे और नेक वाली मार्किंग से इसको मैच कर लेंगे। तो ये वाली लाइन देखिए यहाँ पर मैच हो गई है। अब हमने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ऊपर हमने जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, और आर्म होल की जो हमने बैक शेप डाली है उस बैक शेप पर ही हमने पहले कटिंग करनी है, और फ्रंट की शेप हम बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए कुर्ती की कटिंग हो गई है।
और अब हमने ये देखिए अंदर वाली ये जो जॉइंट है यहाँ पर, इस जॉइंट को भी हम कट कर लेंगे और अंदर वाले पीस को हमने साइड कर लेना है। इस तरीके से साइड करेंगे और बाहर वाले पीस पर हम फ्रंट की शेप डालेंगे, फ्रंट आर्म होल की। तो ये जो हमने मार्किंग की थी इस वाले पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रंट की कटिंग भी हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो बॉडी मेजरमेंट से मेज़रमेंट लिया था उसमें चेस्ट और वेस्ट में हमने 2-2 इंचेस की लूजिंग ऐड की है। अब जो ये फैब्रिक हमारे पास साइड में बचा है इससे हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी सारी शेयर की है, उसी तरीके से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और अब हम करते हैं कुर्ती की स्टिचिंग। तो ये देखिए ये दोनों ही पीस हमने ले लिए हैं कुर्ती के, और फ्रंट पीस हम पहले ले लेंगे और यहाँ पर हम नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो हम नेक बनाएंगे वो बिना बुकरम के बनाएंगे, मतलब कपड़े से ही हम नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो 4 इंच जब हमने कपड़े पर नेक बनाना होता है तो हमें 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना होता है। तो 1/4 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और 4.25 पर मार्क कर लेंगे। अब हमने लेंथ लेनी है तो 4 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो अभी मैं 4.25 ले लूँगी क्योंकि ऊपर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो ये 4.25 आ जाएगा। और जब हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी अटैच करेंगे, तो फिर ये 1/4 इंच मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए 4 इंच पे रेडी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 4.25 लिया है। 4.25 पे मार्क करके हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। और अब हमने यहाँ से गोलाई की शेप देनी है। तो इस तरीके से आप गोलाई की शेप दे सकते हैं, बोट नेक की, जैसी भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से देखिए हमने शेप डाल दी है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो जब आपने ध्यान रखना है कि जब हम बुकरम पर नेक की कटिंग करते हैं तो जितना भी हमें नेक रेडी चाहिए उतने पर ही मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हम पट्टी वाला नेक बनाते हैं कपड़े वाला तो हमें थोड़ा सा मार्जिन भी रखना होता है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4.25 इंच पर कट किया है। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो 1/4 इंच हमें मार्जिन का भी चाहिए होगा। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, इस पर मैंने जॉइंट ऐड किया है। और ये जो हमने नेक की कटिंग की थी उस पीस को इसके ऊपर रखना है और साइड से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए जिस शेप में ये कटिंग की है हमने उसी में मार्किंग कर ली है। और इसके बाद हमने जितना मार्जिन चाहिए, हमें जितनी चौड़ी हमने पट्टी बनानी है गले की तो उतनी ही चौड़ी लेकर हमने कटिंग कर लेनी है। तो सेम मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है और इसी पट्टी को हमने गले के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए पट्टी हमारी कट हो गई है। और अब हमने कॉर्नर की सिलाई लगानी है, तो एकदम थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसको गले के साथ अटैच करें कुर्ती के साथ, तो उसके बाद चाहे हमने तुरपाई करनी हो यहाँ पर, चाहे सिलाई लगानी हो, तो कॉर्नर्स में हमारी फिनिशिंग रहे। इसलिए हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो बस एक बार फोल्ड करके हमने इस पर सिलाई लगा ली है। और अब हमने देखिए कुर्ती की सीधी साइड रखनी है और पट्टी की हमने देखिए उल्टी साइड ऊपर रखी है। तो सीधी साइड में रखकर इस तरीके से हमने पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है और आराम आराम से इसके साथ इसको स्टिच कर लेना है। पट्टी को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही कुर्ती के पीस को। तो आराम से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और अब हमने राउंड है इसलिए यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं क्योंकि पट्टी को हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो देखिए कट्स यहाँ पर डल गए हैं। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और कुर्ती के ऊपर हमने यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है ताकि फिनिशिंग से हमारी पट्टी अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई लग गई है इस तरीके से। और अब हमने यहाँ बैक साइड में या तो तुरपाई कर लेनी है या सिलाई लगा लेंगे, तो मैं यहाँ पर सिलाई ही लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉर्नर पर इक्वल मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है।
तो कुर्ती को सेट करते हुए बिल्कुल आराम से हमने सिलाई लगानी है ताकि झोल ना आए गले पर। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है, एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने ऊपर से कटिंग कर लेनी है। अब सेम तरीके से हमने देखिए बैक नेक की भी कटिंग करनी है। बैक पीस के ऊपर इस तरीके से रखेंगे जो पीस हमने फ्रंट से कट किया था। और यहाँ पर क्योंकि बैक का नेक भी मुझे सेम ही चाहिए, तो अगर आपको छोटा या बड़ा चाहिए तो आपने अलग से मार्किंग करनी है। तो इस पीस को रखकर हमने कटिंग कर ली है और सेम ही तरीके से हम इस नेक को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही नेक रेडी हो गए हैं। और अब हमने ये फ्रंट वाला पीस ले लेना है जिसमें हमने फ्रंट के आर्म होल की शेप डाली थी। ये फ्रंट पीस ले लेंगे और इसको राइट साइड में मतलब सीधी साइड में इसको फोल्ड करके हमने रखा है। अब हमने इसमें नेक की मार्किंग करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा सा एक कट भी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम सेंटर की मार्किंग कर लेंगे पहले इस तरीके से फोल्ड करने के बाद। अब हमने ऊपर देखिए ये 4 इंच पे हमने नेक रेडी किया है, तो 4 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे और जितना भी चाहिए आपको रेडी उतने पर मार्क कर लें। तो 7 इंच तक मुझे रेडी चाहिए तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऊपर से हमने देखिए लगभग आधा इंच छोड़ देना है और उसके बाद हमने बीच वाला मार्जिन देखना है। तो बीच में देखिए हमारे पास 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 इंच का ही हमने एक डिज़ाइन ऐड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बुकरम ले लिए हमने और बुकरम की लेंथ है 4 इंच, तो 4 का हम हाफ कर लेंगे तो 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 2 इंच के बाद हमने बीच में 2.5 इंच पे मार्क करना है, तो 2.5 पर हम इस तरीके से टेप को फोल्ड करेंगे, 2.5 का हाफ करेंगे, तो ये आ रहा है 1.25। तो इस सेंटर पॉइंट में हमने 1.25 को रखना है, 1.25 ऊपर 1.25 नीचे ऐसे मार्क कर लेना है ताकि ये सेंटर में हमारी मार्किंग हो। तो ये पूरा हो गया 2.5 इंच। अब हमने यहाँ पर 0.25 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरीके से एक शेप डाल देनी है। तो देखिए ये शेप थोड़ी ज़्यादा गहरी आ रही है, तो हम सिर्फ 1/2 इंच पे इसको ले लेते हैं और 1/2 इंच में शेप डालेंगे ताकि ये देखने में थोड़ी ठीक लगे। तो इस तरीके से ये देखिए ये शेप थोड़ी ठीक आ रही है, तो इसी को हम इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे और 1/2 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसके आउटर की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो गई है, अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो बाहर वाली साइड की कटिंग हो गई है और अब हम अंदर वाली कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है, अब हमने इस पीस को कपड़े के ऊपर रखना है इस तरीके से। तो कपड़े की हमने उल्टी साइड ऊपर रखी है, इस तरीके से रखने के बाद हम इसको साइड साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको इसके ऊपर फिक्स कर लिया है और साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे कपड़े की। तो ये देखिए कपड़े की भी कटिंग हो गई है और अब हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है इस बुकरम के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और अब हमने ये फ्रंट पीस ले लिया है कुर्ती का और इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको सेट करना है। तो ये देखिए थोड़ा हमारा ये कुर्ती से बाहर आ रहा है क्योंकि कट हमने देखिए 1/2 इंच ऊपर छोड़कर कुर्ती का मार्जिन छोड़कर रखना है। तो यहाँ पर हम साइड से बुकरम को थोड़ा कट कर लेंगे और इस तरीके से देखिए थोड़ा मार्जिन हमने कट कर लिया और इसके बाद हम इसको रखेंगे तो इस तरीके से ये सेट आ जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी। ये जो बीच का कट है हमारा मार्किंग के ऊपर ही आना चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखिए बीच में सुई अटैच कर ली है और बिल्कुल कॉर्नर में बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है, मतलब इस पीस को हमने कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में ही हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए सेंटर पॉइंट में आकर हमने सुई को नीचे डाल कर रखना है, फिर कुर्ती को पलटना है और फिर हमने आगे की सिलाई लगानी है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर करना है तभी यहाँ पर नॉक बनकर आएगी। तो ऊपर की साइड भी हमने देखिए सेंटर पॉइंट पे आए हैं, सुई डाल के रखी है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चला लेनी है मशीन आगे को और फिर हमने सुई हटा लेनी है। उसके बाद हमने ये देखिए बीच का मार्जिन कट कर लेना है, अच्छे से सेंटर से पकड़ना है पहले और बीच से मार्जिन को कट कर लेना है। और अब ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स हैं और जो साइड्स में है गोलाई, यहाँ पर हमने कट्स डाल लेने हैं ताकि ये अंदर को अच्छे से टर्न हो सके। अब हमने इसको अंदर की साइड को पलटना है, तो इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर हम प्रेस लगाकर इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए दिखेगा। तो अब हमने देखिए यहाँ पर प्रेस कर ली है और अब हमने फिर यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और देखिए सेंटर में आके हमने सुई नीचे डाल कर रखनी है, फिर कपड़ा टर्न करना है और ऊपर आकर हमने देखिए
धागे निकाल लेने हैं, कट कर लेना है। अब जो भी हमारे धागे आगे की साइड दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, हमने बैक साइड में निकालने हैं और कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। अब हमने देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच करने हैं, तो बैक पीस में भी देखिए जो पट्टी मैंने लगाई थी उसके कॉर्नर की मैंने सिलाई लगा ली है। अगर हम सिलाई पहले नहीं लगाते हैं तो फिर हम इसको आगे खोलकर ही सिलते हैं और फिर पलटकर हमारे ये शोल्डर वाली जगह में फिनिशिंग आ जाती है। लेकिन अभी मैंने इसको इस तरीके से ऐसे ही सिल लिया है, और जो भी मार्जिन आएगा शोल्डर का वो बैक साइड में करके हम सुई धागे से इस तरीके से बैक साइड में कर यहाँ पर टाँके लगा लेंगे ताकि ये बैक साइड में रहे। तो अब हमने स्लीव लेनी है और स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से कुर्ती का हमने सेंटर पॉइंट लेना है और ये स्लीव का भी हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है, कट कर लेना है सेंटर में। और कुर्ती की हमने फ्रंट साइड रखी है, स्लीव की भी फ्रंट साइड इसके ऊपर रखेंगे, दोनों की फ्रंट साइड आमने सामने है। और अब हमने कुर्ती का देखिए सेंटर पॉइंट लिया है, मतलब कट लिया है, और बाजू का हमने कट हम उस सेंटर से थोड़ा सा आगे को रखना है। तो आगे की साइड रखकर इस तरीके से मिलाना है। तो ये देखिए दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही स्लीव हमने सेम तरीके से अटैच कर ली है, और ये देखिए दूसरी स्लीव भी हमने अटैच कर ली है। अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए स्लीव को हमने फोल्ड किया है, स्लीव की बॉटम है हमारी 5 इंच, तो ऊपर हमने देखिए इस तरीके से 1 इंच ऊपर छोड़ दिया है, और उसके बाद नीचे 5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि फोल्ड में क्योंकि खोलकर बाजू हमारी बाजू का जो कट है टोटल 2 इंच का है, इसलिए हमने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया है। अब हमने देखिए कटिंग करते हुए जो मार्किंग की थी उसी मार्किंग को हमने डार्क कर लेना है, क्योंकि ये मार्किंग हमारी एक ही साइड में है, इसी को हम डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड में इसको उतार लेंगे। तो डार्क करने के बाद देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, इधर के दोनों पीसेस इकट्ठा पकड़ने हैं और दूसरी साइड में हमने इस तरीके से रखना है। और थोड़ा सा हमने इसको सही तरीके से सेट करके रख के फिर हमने इसको थोड़ा टैप करना है, तो इस साइड की मार्किंग हमारे देखिए दूसरी साइड में भी उतर आएगी, और इसको डार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। सेंटर में भी देखिए हमने बटन ऐड कर लिया है जैसे हमारी स्लीव्स में है इस तरीके से। तो देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है, चाक भी मैंने इसके रेडी कर लिए हैं। तो बॉटम में मैंने देखिए एक पट्टी ऐड की है और इसको फोल्ड कर लिया है। तो चाक भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लेने हैं जैसे मैंने और कुर्तीज़ में भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा बोट नेक रेडी हो गया है बिना बुकरम के भी। तो बहुत ही आसानी से आप बिना बुकरम के भी बोट नेक रेडी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कपड़ा थिक होना चाहिए, बहुत पतला कपड़ा है तो बुकरम ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।